नमस्कार। खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। कोलकाता में जादवपुर विश्वविद्यालय में गुरुवार को छात्रावास भवन के सामने फर्स्ट ईयर के एक छात्र का शव मिलने के बाद हंगामा खड़ा हो गया। परिवार ने आरोप लगाया कि सीनियर छात्रों ने उसकी रैगिंग की थी। पुलिस ने मरने वाले छात्र की पहचान स्वप्नदीप कुंडू के रूप में की है, जो बंगाली ऑनर्स के फर्स्ट ईयर का छात्र था। संदेह है कि बालकनी से गिरने के बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि मरने वाले छात्र के परिजनों ने रैगिंग का आरोप लगाया है। इसके बाद छात्र की मौत पर रहस्य अब गहरा होता जा रहा है। उसके परिवार के सदस्यों ने कथित तौर पर पुलिस और विश्वविद्यालय अधिकारियों को सूचित किया है कि मरने वाले छात्र ने बुधवार देर शाम उनसे बात की थी। उसी विश्वविद्यालय के कुछ सीनियर छात्रों पर रैगिंग का आरोप लगाया गया था। इसके बारे में पूछताछ करने उसके माता पिता गुरुवार को ही कोलकाता आने वाले थे। पुलिस जांच के अलावा विश्वविद्यालय ने भी अपनी अलग से जांच कराने का फैसला किया है। इसके लिए अलग अलग विभागों के शिक्षकों के साथ अन्य छात्र परिषदों के प्रतिनिधि की एक समिति बनाई गई है। जेयू के विज्ञान विभाग के डीन सुबिनॉय चक्रवर्ती की अध्यक्षता वाली इस समिति को 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देनी है। कोलकाता पुलिस के अधिकारी पहले ही जांच में जुट गए हैं। छात्रावास में रहने वाले इस कई छात्र उनकी जांच के घेरे में अब आ चुके हैं। इधर नाइक के परिवार के सदस्यों ने जो सोमवार देर शाम परिसर में अपने छात्रावास के कमरे में मृत पाई गई, आरोप लगाया है कि वो रैगिंग की शिकार है। आपको बताते चलें कि ये कोई पहली घटना नहीं है कि रैगिंग के कारण किसी छात्र या छात्रा ने आत्मदाह किया हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि नियम और कानून इतने सख्त होने के बावजूद ये क्यों होती है? जब रैगिंग को बैन किया गया है, उसके बाद भी नियमों का उल्लंघन करके, कानूनों को ताक पर रखकर क्यों रैगिंग की जाती है? बड़ा सवाल। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। मीना व्यास पटेल मनोचिकित्सक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, संध्या दुबे प्रधानाचार्य हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और साथ ही साथ संजय तिवारी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत संध्या जी मैं आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि 2001 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दिया, कई कड़े कानून बनाए गए इसको लेकर, साथ ही साथ इसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया, बैन कर दिया, लेकिन उसके बाद भी ये क्यों नहीं रुक रही है? सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि कानूनों के होने के बाद भी क्यों रैगिंग की जाती है, कारण क्या है इसका और क्यों इसे नहीं रोका जा पा रहा है? जी धन्यवाद, नमस्कार। 2001 में ही जो है वो प्रतिबंधित हो चुकी थी कि रैगिंग नहीं होगी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, संजय जी, इंजीनियरिंग कॉलेज हो या शहर के मामले आ जाते हैं। अभी हमने बंगाल में देखा, उड़ीसा में भी एक लड़की ने आत्महत्या की। मैं देखती हूँ कि इसके पीछे कहीं ना कहीं एक जो ये कारण है कि जो भी प्रशासन है, कॉलेज प्रशासन है, या वो कहीं इस कानून को सख्ती से लागू नहीं कर रहा। और दूसरी चीज ये है कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर में आए और उन्होंने ये देखा कि उनके साथ रैगिंग हुई, तो उनको ये लगता कि जब वो सीनियर होंगे तो वो भी रैगिंग लेंगे जैसा उनके साथ हुआ था। और क्योंकि उन्हें भी सजा नहीं मिली, इन्हें भी नहीं मिली, और उन्हें मानसिक रूप से उनके मन से ये भी बात नहीं हटाई गई कि बेटा रैगिंग एक गलत चीज है और हमें इससे जो बच्चा हमारे नए नए आ रहा है उसको वो नए माहौल में ढालने से आप एक डर पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं संध्या जी ये सवाल है कि जब बच्चा कॉलेज में आता है, अपनी नए कॉलेज को शुरू करता है, चार साल, हम कई बार कहते हैं कि जो चार साल होते हैं लाइफ, कॉलेज लाइफ शुरू होती है, वो एक अलग ही लाइफ होती है। लेकिन जब जहां बच्चा कुछ सीखने के लिए, इंजॉय करने के लिए, अपने चार साल को बेहतर बनाने के लिए उस कॉलेज में प्रवेश कर रहा है, तब आप उसके साथ मानसिक प्रताड़ना देते हैं, मारपीट करते हैं, ऐसे में क्या माँ बाप को ये अब सोचने की जरूरत पड़ जाएगी कि जहां बच्चे को वो अपनी नई लाइफ शुरू करने के लिए भेज रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चे की लाइफ ही खत्म हो जा रही है? बिल्कुल सही बात है कि जब बच्चा एक कॉलेज में आता है तो वो एक नए स्वप्न के साथ आता है कि वो लाइफ में इन सपनों को लेके अपने जीवन की एक नई बुनियाद रखेगा और ऊंचाइयों को छुएगा। और जब इस तरीके की दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो मन कुंठा से भर जाता है। बिल्कुल, इसके लिए वही है कि पेरेंट्स तो होंगे ही जिम्मेदार,
कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेज प्रशासन जो है उन्हें इतना टाइट करना पड़ेगा, और टाइट करने के साथ उन्हें अपने जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट बन के उस कॉलेज में आ रहे हैं, उनकी मानसिकता में बदलाव के लिए प्रयास करना पड़ेगा कि ये जो मानसिकता है उस मानसिकता को दूर करके वो अपने से जो भी जूनियर बच्चे आ रहे हैं उनका स्वागत इस रूप में करें कि बच्चों को ये लगे कि आगे उनका भविष्य बहुत ही सुरक्षित है, ना कि अभी वो ये तीन चार सालों को किसी डर के उसमें साए में निकाले, जैसे इसका भी पहला साल होता है। बिल्कुल सही कह रही है संध्या जी, आप एक बॉन्ड बनना चाहिए, जो सीनियर्स हैं वो अपनी सीनियरिटी को दिखाते हुए, अपने कर्तव्य को आगे रखते हुए जो छात्र आ रहे हैं कॉलेज में उनके प्रति उनकी जो जिम्मेदारी बनती है उसे बहुत बेहतर तरीके से निभाना होगा। संजय तिवारी जी, इसी पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्यों आपको क्यों क्या लगता है क्यों रैगिंग होनी चाहिए जहाँ बच्चों की रैगिंग करके। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, रैगिंग कतई नहीं होनी चाहिए। और ये प्रगति मेरा सवाल एक बार आप लड़का वो सब चीज जानता है यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, गूगल के माध्यम, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। चाहे सेक्सुअलिटी हो या पढ़ाई लिखाई हो, लड़का अपने भविष्य की ओर टारगेट किए हुए है, माँ बाप की भी नजर रहती है और जिस भी कॉलेज विश्वविद्यालय प्रशासन में होता है यूनिवर्सिटी की नजर होनी चाहिए। और कतई इसको निषेध कर देना चाहिए रैगिंग होना, रैगिंग कतई किसी रूप में मान्य नहीं है, न इसको सही कहा जा सकता है। विश्वविद्यालय या विद्यालयों के प्रशासनों की लापरवाही कारण रात में 12 एक दो बजे के बाद आज भी सुनाई पड़ता है। वहाँ तो मैं भी अपने नात रिश्तेदारों से कभी कभी कि सोर्स लगता है कि आप सोर्स लगा दीजिए, वहाँ रैगिंग हो रही, वहाँ रैगिंग हो रही है। तो छुप छुपा के जो लोग कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर ये अपराध है और ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए। और बाकायदे सरकार को और वहाँ के वाइस चांसलर हो या प्रिंसिपल हो, इस पे नजर रखनी चाहिए, कड़ी नजर रखनी चाहिए, चाहे सीसीटीवी के द्वारा, कि इस पे रैगिंग पे सख्त प्रतिबंध लगा जाए। नस्ली हिंसा या इस तरीके से इंटरनल हिंसा या साजिशन हिंसा, ये सब बंद होना चाहिए। ठीक है संजय तिवारी जी। मीना व्यास पटेल मनोचिकित्सक भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मीना जी, जिस हिसाब से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, उस हिसाब से ये सवाल जायज बनता है कि आखिर इसका मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि जिसके साथ हो रहा है उसने तो काफी कुछ झेला है, रैगिंग उसके साथ की गई है, मानसिक प्रताड़ना उसे दी गई है, जिस कदर वो उतने डिप्रेशन में जाता है और ऐसा कदम उठाने को मजबूर हो जाता है जिसके बारे में हम शायद सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि उस स्टूडेंट को देखते देखते अगर जो साथ वाले हैं उन पर क्या कुछ असर पड़ सकता है इस चीज का, वो कैसे इसे हैंडल कर पाएंगे? बोलिए, मेरी आ रही है। मीना जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी, मुझे अभी आ रही है आपकी आवाज। जी शुक्रिया। हाँ। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी शुक्रिया। देखिए रैगिंग, जी देखिए रैगिंग जो हो रहा था जिसको बैन कर दिया है और वापस कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं जो आती है हम देखते हैं कि रैगिंग की वजह से किसी बच्चे ने, किसी स्टूडेंट ने आत्महत्या कर दी या उसकी हत्या हुई, तो ये देख के हम जरूर ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ मानसिकता या कुछ स्टूडेंट की मानसिकता ऐसी है कि जहाँ नया फ्रेश बच्चा आया है, फ्रेश स्टूडेंट आया है जो अभी नया नया है, माहौल को जानता समझता नहीं है और एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो थोड़ा सा घबराया हुआ है, अभी इतना यूज टू नहीं हुआ है कि लोगों के साथ किस तरह से बातचीत करना है, किस तरह से रहना है, किसको क्या रिप्लाई करना है। अभी घर का जो पैम्परिंग माहौल है उसमें से बाहर आया है बच्चा। तो ये जो सीनियर लोग होते हैं जो काफी साल से यहाँ रह रहे हैं और उन लोगों को ये सब चीजों का, तो ये लोग जो ये लोग ऐसे ही स्टूडेंट के ऊपर हावी हो जाते हैं और ये उनकी मान। हाँ जी, एक प्राउड रहता है कि हम सीनियर हैं। जी सीनियर का एक प्राउड की जगह पे एक कहेंगे कि ये जो सीनियर लोगों का ये होता है कि हम इसके हम ऑनर है, हम यहाँ पे हम सर्वा सर्वा है, तो हमें हम जो बोलेंगे हम ही करेंगे, हम ही कहेंगे, हम ही जो मांगे वो देना पड़ेगा, हम जो कहेंगे वो करना पड़ेगा, तो ये मानसिकता है। तो एक एक ये जो मानसिकता है उसको बढ़ावा कैसे मिलता है, हमें
चर्चा इस बात की करनी चाहिए कि इस ऐसी मानसिकता वाले बच्चों को बढ़ावा कैसे मिलता है कि ये इस हद तक जाते हैं कि सामने वाला बच्चा का सुसाइड ही हो जाता है, मर ही जाता है। तो वो जो प्रोसेस होती होगी वो कितनी दर्दनाक होगी, ये हम सोचते भी घबरा जाते हैं कि ये कितना दर्दनाक होता होगा कि वो लड़के की जान चली जाती है। तो पहली बात तो ये है कि वहाँ के जो भी जिम्मेदार जो हॉस्टल के हो या कॉलेज के हो या यूनिवर्सिटी के जो भी वहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, उन लोगों की आंखों से ये चीजें कैसे बची रहती है, ये सब चीजें होती रहती है और उनकी उनके तक कानों तक ये बातें क्यों नहीं पहुंचती है, और पहुंचती है तो उस पे एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है। आपका सवाल था मुझे कि उसके साथ वाले बच्चों पे क्या बीतती होगी, वो भी डरे हुए रहते हैं, वो भी कुछ भी आवाज नहीं करते हैं, ना कंप्लेन कर पाते हैं, ना घर में बता सकते हैं, अपने पेरेंट्स को कोई बता सकता है, किसी को कुछ नहीं बताएंगे, चुपचाप वो जो सीनियर लोग बोलेंगे वही करेंगे। बिल्कुल, यही आपकी यही पूरी 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 सिचुएशन बनी रहती होगी। तो मेरा यही सवाल है या मैं यही आपको समझाना चाहती हूँ कि ये जो प्रोसेस है वो जब इतनी हद तक बढ़ जाती है तो या वहाँ के जिम्मेदार लोगों को कैसे पता नहीं चलता है। पता चलना चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस चर्चा पर लगातार खास मेहमान जुड़े हुए मीना व्यास पटेल मनोचिकित्सक, संध्या दुबे प्रधानाचार्य और संजय तिवारी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संध्या जी, मैं आपसे एक सवाल इस बारे में पूछना चाहूंगी कि हम लगातार बाहर के देशों को देखते हैं, बाहर के देशों में ये रैगिंग नाम का जो शब्द है ये बिल्कुल नजर नहीं आता है। अगर बात की जाए तो सिर्फ ये भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में ही इस तरह की रैगिंग होती है। तो जब हम बाहर से इतनी चीजें अडॉप्ट कर रहे हैं, बाहर से लोगों को हम आने के लिए बोलते हैं कि आप हमारे देश में आइए, यहाँ पर चीजों को कीजिए, क्योंकि जो हमारी अब एजुकेशन है हम उसे बेहतर कर रहे हैं, तो क्या हम बाहर के देशों से ये नहीं सीख सकते हैं? सीखते हैं, दरअसल होता क्या है। संजय जी, ये सवाल मेरा संध्या जी से है, माफ कीजिएगा। हाँ जी, अपनी मोनोपोली बिल्कुल सीख सकते हैं, आज हर तरफ सीखने की बात है। इस पे हम एक चीज ये कहना चाहेंगे कि ठीक है, हम बाहर से सीखे, वहां से रैगिंग खत्म हो गई, तो उन तरीकों को सीखे कि उन्होंने वहां ऐसे कौन से तरीके अपनाए जिससे कि ये संपूर्ण नष्ट हो गई। सिर्फ इसमें कॉलेज प्रशासन को एक चीज ध्यान देनी होगी कि ये जो बच्चे होते हैं वो एक अलग तबका होता है जो इस तरीके की हरकतें करते हैं। इसमें स्कूल प्रशासन के या स्कूल के जितने भी कॉलेज के जितने भी साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।